8 दिसंबर 2018 को पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और भोजपुर जिले के इस व्यवहार न्यायालय परिसर में भी इसका आयोजन विस्तार पूर्वक किया गया है और इसकी पूर्ण तैयारी कर ली गई है। इसके प्रचार प्रसार के लिए प्रखंड स्तर पर और प्रखंड प्रमुख के द्वारा जो है निर्देश देते हुए इसकी व्यवस्था की गई है और ग्रामीण क्षेत्र में भी इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। यह लोक अदालत जो है कि आम जनों के लिए बहुत ही लोकोपयोगी है और खास करके इसके बहुत फायदे हैं। लोक अदालत के माध्यम से कोई भी सुलहनीय बात का निष्पादन होता है तो इसमें वकील पर कोई खर्च नहीं होता है, कोर्ट फी इसमें नहीं लगता है, पुराने मुकदमे की कोर्ट फी वापस हो जाती है यदि लोक अदालत के माध्यम से कोई बात निष्पादन होता है तो, और किसी भी पक्ष को इसमें सजा नहीं होती है। बातचीत के माध्यम से मामले का नैसर्गिक सिद्धांत के आधार पर हल निकाल लिया जाता है और अंतिम रूप से बात का निष्पादन कर दिया जाता है, क्योंकि इसका फैसला ही अंतिम होता है और फैसला के विरुद्ध ना कोई अपील होता है और न ही कोई ऊपरी अदालत में किसी तरह का कोई अपील दायर किया जाता है और सभी को आसानी से न्याय मिल जाता है और मामले का तुरंत निपटारा हो जाता है और मुआवजा और हर्जाना की राशि भी तुरंत मिल जाता है। इसलिए आम जन के लिए, लोगों के लिए यह नेशनल लोक अदालत जो है काफ़ी उपयोगी है और इसकी तैयारी के क्रम में स्थानीय व्यवहार न्यायालय में कुल 9 बेंच का गठन किया गया है और पीरो और जगदीशपुर व्यवहार न्यायालय में एक एक बेंच का गठन किया गया है। सभी में न्यायिक पदाधिकारी कार्य करेंगे और उन लोगों को सूचित किया जा चुका है और खास करके व्यवहार न्यायालय में जितने भी क्रिमिनल कोर्ट हैं जिसमें सुलहनीय बाद लंबित हैं उसमें मैक्सिमम वादों को चिन्हित किया गया है। सारे न्यायिक पदाधिकारी प्री सिटिंग कार्य करते हुए ऐसे वादों को चिन्हित करके लोक अदालत में भेजने का काम किए हैं और प्री लिटिगेशन मामले भी इसमें रखे गए हैं और ख़ास करके और भी मामले जैसे टेलीफोन का मामला है, बिजली चोरी का मामला है या खास कर सिविल में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का है, रेंट का मैटर है, इजमेंट एक्ट का मैटर है, ये सब मैटर रखे गए हैं। और मेरा प्रयास है सचिव डीएलएसए होने के नाते कि अधिक से अधिक वादों का निष्पादन इसमें किया जाए और काफ़ी लोगों को इसमें सुविधा दिया जाए ताकि वंचित न्याय से वंचित लोगों को शीघ्र न्याय मिल सके। अभी तक जो मामले पेंडिंग हैं सुलहनीय मामले करीब 200 आसपास कोर्ट केसेस का निष्पादन होना है और मैं समझता हूं कि बैंक केसेस इसमें काफ़ी रहेंगे, सारे बैंक इसमें सहयोग कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो बैंक के केसेस कम से कम 1000, 1500, 2000 भी हो सकते हैं। इस स्तर की तैयारी की गई है।